इस लेसन में देखो एक दो डेफिनेशंस रह जाती है, जैसे डक्टाइल मटेरियल्स हैं, इसको हम डेफिनेशन दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक तो ये डिफाइन करेंगे करेंगे और एक इसको ग्राफिकली भी समझाएंगे कि दोज मटेरियल विच हैज लार्जर प्लास्टिक रीजन इन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये देखो ये आप याद करो प्रोपोर्शनल लिमिट थी, ये लिमिट ऑफ प्लास्टिसिटी थी, ये पूरा रीजन प्लास्टिक रीजन है, कितना बड़ा है। और इसी वजह से प्लास्टिक रीजन बड़ा होने से मतलब पता क्या, कि जल्दी से टूटेगा नहीं है, तो हैंस दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स नेम्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स, कॉपर आयरन एल्यूमिनियम या ठीक है। ब्रिटल में क्या होगा, इनका जो प्लास्टिक रीजन होगा वो कम होगा, दोज मेटल विच हैव स्मॉल प्लास्टिक रीजन, और जब स्मॉल प्लास्टिक रीजन होगा जैसे ये रहा प्लास्टिक रीजन, बस इसका मतलब बहुत जल्दी टूट जाएगा, और जब जल्दी टूटेगा तो तार कैसे बना लोगे आप इसको सोचो, तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर्स, जैसे ग्लास है, सेरेमिक्स है, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इलास्टोमर्स क्या हुए, इलास्टोमर्स ये वो मटेरियल हैं जिनके जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, यानी जिनको स्ट्रेच कर सकते हैं इलास्टिकली एट टू अ लार्ज वैल्यू, और इनका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी देखो अजीब सा ही है, इसका उससे कोई मतलब नहीं जो हमने सीखा था, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी समझ लो बहुत ज़्यादा हुई, तो इलास्टिकली आप इन्हें काफ़ी स्ट्रेच कर पा रहे हो रबड़ जैसे, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है पॉइजन रेशो। आप देखो जब आप किसी वायर को हैंग करोगे, वेन एवर अ वायर इज हैंग विद रिजिड सपोर्ट एंड लोडेड एट अदर एंड, दूसरे एंड पर कोई आप वेट सस्पेंड करोगे, इट्स लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू विच इट बिकम्स थिन, और थिन बनेगा तो इट्स डायमीटर डिक्रीजेस, ठीक है ना। अभी तक हम ये कंसिडर कर ही रहे थे डायमीटर में चेंज, नाउ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, इसको नेम करते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक। और यहाँ से डेफिनेशन आती है विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडल तो पहले ही पढ़ के आ रखे हैं, इसी को नाम करते हैं आप लोग क्या है ना, पॉइजन रेशो, इसको पॉइजन रेशो कहते हैं। अब इनिशियल लेंथ कैपिटल एल मान लिया, ठीक, डायमीटर कैपिटल डी है, और जो वेट आपने सस्पेंड किया था उसकी वजह से जो इंक्रीज इन लेंथ है स्मॉल एल है, और डिक्रीज इन डायमीटर जो है वो डेल्टा डी है, तो जो लेटरल स्ट्रेन होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, माइनस साइन ही बता रहा है कि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, और पॉइजन रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो हो जाएगा, बस ये आ जा रहा है, ओके।